कि अब तो विपक्ष के प्रत्याशी की नाम की घोषणा होती है तो तुरंत ईडी उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है। बहुत सारे साथी पूछेंगे आप लोग कब प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, कि जहां हम लोग अपना प्रत्याशी का नाम का घोषणा करें फिर ईडी ना पहुंच जाए। जो औपचारिकता है उसका प्रथम चरण का जो नामांकन की प्रक्रिया वो अब समाप्त हो गई है और देश में चुनाव की जो आचार संहिता कुछ दिन पहले से लागू थी अब चुनाव के प्रक्रिया में आ गई। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड पर और विपक्ष पर जो ईडी के छापे पड़े कार्रवाई हुई, नेताओं को जेल के अंदर किया गया, चुनाव में हार का डर इस प्रकार का है कि अब तो विपक्ष के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होती है तो तुरंत ईडी उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है। यह हम लोगों को कल महाराष्ट्र में देखने को मिला। बहुत सारे साथी पूछेंगे आप लोग कब प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, तो इसलिए दे रहा हूं कि जहां हम लोग अपना प्रत्याशी का नाम का घोषणा करें फिर ईडी ना पहुंच जाए, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वो ईडी के रडार में नहीं आना चाहते, और कुछ लोग ईडी के रडार से बचने के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं।